नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीजीआई एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीजीआई ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं एमएससी नर्सिंग 2024-2026 के बेंच को लेकर। दोस्तों बात करेंगे कंप्लीट, लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड हर एक न्यूज़ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। साथ साथ में नर्सिंग कंपटीशन की क्लासेज भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना देखने को मिलती है। बात करते हैं सबसे पहले, तो दोस्तों बता दूं, पीजीआई चंडीगढ़ ने 2024 सीजन के जितने एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो रिवील कर दी है। जो एमएससी ऑनलाइन की जो डेट है वो 16 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगी फॉरम की, और जो एप्लीकेशंस की लास्ट डेट रहेगी वो 6 मई 2024 रहेगी। साथ में जो करेक्शन करने का टाइम रहेगा वो 10 मई 2024 तक रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सीबीटी कब होगा, तो वो होगा 23 मई 2024 को, और जो रिजल्ट की डेट है वो आपको देखने को मिलेगी जून में, 3 जून 2024 को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग की जो डेट है वो टेंटेटिवली है जो कि है 20 जून 2024। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एससी एसटी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके 1200 रुपये लगेंगे, साथ में ट्रांजेक्शन चार्ज अलग से लगेगा, और फॉर ऑल अदर कैटेगरी जैसे ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बाकी सब के जो चार्ज लगेगा वो 1500 रुपये लगेगा, ट्रांजेक्शन चार्ज अलग से लगेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए फ्री है, पेमेंट आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है। और जितने भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस भर रहे हैं उनके लिए जो पोर्टल है वो पैसा जमा कराने का या पेमेंट करने का वो रहेगा 16 अप्रैल से लेके 6 मई तक आपको देखने को मिलेगा। जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या सीट्स रहेगी इसमें, कितनी एमएससी की सीट है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बता दूं, जो नंबर ऑफ सीट्स है वो टोटल सीट रहने वाली है वो 31 सीट रहेगी, जिनमें से भी डिवाइडेशन रहेगा। जनरल कैटेगरी की जो सीट रहेगी वो 12 रहेगी, एससी की 4 रहेगी, एसटी की 2 रहेगी, ओबीसी की 7 सीट देखने को मिलेगी। साथ साथ में जो पीजी स्टाफ हैं उनके लिए 6 सीट रिजर्व रखी गई है, जिनमें से जनरल की 3 है, एससी की 1 है और ओबीसी की 2 सीट देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं सब स्पेशलिटी में आपको कौन कौन सी सीटें में देखने को मिलेगी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की 6 सीट देखने को मिलेगी, पीजी स्टाफ के लिए 1 भी सीट नहीं है। एमएससी इन साइकेट्रिक में आपको 1 सीट देखने को मिलेगी पीजीआई चंडीगढ़ स्टाफ के लिए, और 2 सीट देखने को मिलेगी अदर्स के लिए, 1 जनरल की 1 ओबीसी की। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की 2 आपको सीट देखने को मिलेगी और अदर्स के लिए 4 सीट देखने को मिलेगी। ओबीजी एंड गायनिक के लिए आपको पीजीआई चंडीगढ़ की 1 स्टाफ की और अदर के लिए 4 की। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पीजीआई के लिए स्टाफ की 2 और अदर की 9 देखने को मिलेगी। तो दोस्तों फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें आपको 1 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस मांगा है रजिस्ट्रेशन के बाद में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, 100 बेडेड हॉस्पिटल में आपको 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए पब्लिक हेल्थ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर्स का, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एलिजिबल होने के लिए। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इसके बारे में, पीजीआई एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। द एंट्रेंस टेस्ट सेल बी ऑन 23 मई 2024 एंड ड्यूरेशन, जो एंट्रेंस एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी वो 1.5 आवर देखने को मिलेगी, और जो सीबीटी टाइम रहेगा वो रहेगा 9 से 10:30 के बीच में, ठीक है। जो सेंटर रहेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर, अम्बाला, अमृतसर, बठिंडा, देहरादून, कांगड़ा और शिमला, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, तो जो सब्जेक्ट है वो सिलेबस क्या देखने को मिलेंगे, उसमें सिलेबस में एमएसएन से जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15 मार्क्स से देखने को मिलेंगे, कम्युनिटी से 15 क्वेश्चन, ओबीजी से 15, चाइल्ड हेल्थ से 15, मेंटल हेल्थ से 15,
नर्सिंग फाउंडेशन से 10, नर्सिंग रिसर्च से 10 और जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट जानकारी थी एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की। और भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।